2023 तो में क्या क्या हुआ इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग लेट्स लेट्स सी सी ऑब्वियसली सबसे <laughs> यार डोंट टेल मी कि सबसे पहला सीन यही दिखाने वाले हो बाय द वे जस्ट लुकिंग एट दिस सीन इसके बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 2023 हजार तेईस हैजू बी वन ऑफ दी बेस्ट ईयर्स इन प्रोफेशनल रेसलिंग ये तो मैं 2020 से कहता आ रहा हूँ कि 2020 से डब्लू डब्ल्यू सुधर गई है 2017 से 2019 का जो टट्टी वाला एरा था उसका बदला पूरा 2020 से 2023 तक तो ले लिया है अब प्रॉब्लम क्या हो रही है अब हम जा रहे हैं हाई होप्स के साथ 2024 में बाय द वे दिस इससे मेरे को एक ही याद आती चीज थी, बैठक <laughs> याद हमने बैठक में किया था ये सब सैम इज इन बिट्रेइंग नॉट बिट्रेइंग एक्चुअली बट ओह एंड देन सैम इजन वर्सेस रोमन रेन्स एलिमिनेशन चेंबर एंड द डिसपॉइंटिंग फेसेस आई डोंट ऐसा क्यों लग रहा है कि अरे बहुत साल पहले हुआ था इट्स इट्स लिटरली फरवरी ऑफ दिस ईयर कितना दस महीने हुआ है बस और ऐसा लग रहा पता बहुत पहले हुआ था यार ओह मैन यार ये यार ये कैसे थे तीन चार महीने पहले सेमी जेन के लिए इतना खुश हो रहे थे हम देन पूरा लगा दैट ही लॉस देन अच्छा लगा और हम रॉय अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टैग टाइटल्स जीता मैन दिस इज सो गुड दिस इज सो गुड ओ शेट ओ एंड और ओ गैस व्हाट ये वाला तो मैच ऑफ द ईयर में भी नहीं डाल रखा है ब्रॉक ब्रॉकलेजर वर्सेस कोडी रोड्स गया अपेरेंटली <laughs> अच्छा अगर ब्रॉक ब्रॉकलेजर वर्सेस कोडी रोड्स इस इन्होंने इसमें भी डाल दिया ना मतलब पहली बात तो ये किसी टिक ने डाला है सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस बट फिर भी अगर इसमें आता है तो पता चल जाएगा ओके मेजोरिटी okay, लोग उस चीज़ को मानते थे <laughs> यू कैन नॉट कन्विंस मी कि ब्रॉक ब्रॉकलाइजनर वर्सेज कोडी रोड का मैच इसी नहीं गया क्योंकि वो स्टार पावर की वजह से ब्रॉक ब्रॉकलाइजर कोडी रोड का मैच गया ही इसीलिए आगे तक है क्योंकि ब्रॉक ब्रॉकलैजनर था उसमें और ब्रॉकलाइजनर के फैंस ने कर नहीं भैया रोमन से आगे जा रहा था हम भी इसे आगे बढ़ाएंगे ओ <laughs> नागल uh, oh no. रुलाएंगे ये रुलाएंगे Okay, cool. is पे कुछ ही फोकस कर <laughs> इतना करने की जरूरत थीअपॉइंटिंग फ्यूड्स में भी कह रहे थे लोग बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इस तरीके से बॉबी लैसली का हाल होगा इस फ्यूड के दौरान आई थिंक ठीक ठाक था यार अब यही कर सकते हैं सोलो सेंको भाई साहब सपने में आता है आज कोड़ी रोड्स के फैन फैंस के जितने भी लोग हैं ना ये ये वाला सीन एक तो कोड़ी रोड्स के सपन फैन के सपनों में और दूसरा ड्रू मैक के फैंस के सपनों में आओ मैन दिस इमेज ये फुल रेसल मीनर ट्वेंटी एट जॉन सीना रिक्रिएशन एंड दिस इज वेर दूट बिगेन समर स्लैम यार ये भाई ये भाई क्या था ना टाइम रॉ का नो बड़ी वॉज एक्सपेक्टिंग रोमन का मैच होगा रॉ में चल ठीक है भाई मान लिया हो सकता है हुआ होगा क्योंकि उसके पहले भी दे, दिया है बंदे ने रोमन वर्सेस बी की वर्सेस ये सब हुआ था बट ब्रॉक ब्रॉक लड़ेगा नो नो नो, नो रोमन से एक ही मैच में होंगे विद कोडी रोड्स एंड सोलो से कुआ भाई ये कुछ ज्यादा हो गया था ये तो हजम ही नहीं हुआ बट क्योंकि ब्रॉक लेजनर था मैच में तो मैच शुरू ही नहीं हुआ ज oh, yeah, was... <laughs> पहली बात तो जितना टाइम बचा हुआ था रॉक के लिए उससे पता चल गया था कि नहीं भाई कुछ तो हग्गा होने वाला है यहाँ पे ओ भाई ये भी तो हुआ था इस साल द न्यू वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियनशिप वाइसियन बॉक्सिंग आपने देखा होगा रेसल चैटर के चैनल पे एंड दैट टाइटल मेरे को लगा था कि उतनी अच्छी नहीं है बट रियल लाइफ में मेन जो डब्ल्यू वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल अभी भी लगती है अभी भी वो वाली जो टाइटल थी वो तो हमारी पहली टाइटल थी जब लाइव देखी थी उसको दोबारा देखा था तो हमें ऐसा हो गया था कि हाँ ठीक है टाइटल है इसको अब भी देखते है, ऐसा लगता है भाई ये क्या है असली सोना तो नहीं क्या है दिस इज सो ब्यूटिफुल मैन एन एट नाइट ऑफ चैंपियस राइट द चैंपियनशिप बैड बनी एंट्रेंस चंबे आला जमे

लाजमी था आई डोंट थिंक सो और मैं थिंक भी नहीं मेरे को लगता है ये गलत चॉइस है सीधी सी बात है आ, यार ये भी अनएक्सपेक्टेड ही था ये भी ऑब्वियसली मैं हम कितने ही कह रहे थे ऊसोसोस उस बट फिर भी का जीतना था तो अनएक्सपेक्टेड ही यस इवन दे वर शॉक्ड वही हमने हरा दिया हो हमने हरा हो रहा ये आ गया पागल धोखा <laughs> धोखाधड़ी शेट नाव मैन ऑबियसली आई एम ग्लैड ओ आई एम ग्लैड क्योंकि अब ये रिव्यू ये जो रिव्यू कह रहे हो ये जो पूरी वीडियो है इसमें वो वाली फील आ रही है कि यार ईयर एंड वीडियो है क्योंकि क्रेडिट तो देना पड़ेगा आपको जजमेंट डे को रॉ को सेव करने के लिए और जिस तरीके से उन्होंने ये इतना एग्जैक्ट बीट ड्रॉप पे और ख़ुद का पर्सनल टाइम दिया जजमेंट देखो ये दिखाता है उनका कंट्रीब्यूशन डब्ल्यू की तरफ दे डिज़र्व इट मैन दे डिज़र्व ऑल द टाइटल्स जो भी उन्होंने होल्ड करी चाहे वो ब्रीफ केस हो चाहे वो टैग टाइटल्स हो चाहे वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो चाहे नॉर्थ अमेरिकन टाइटल हो दे अर्न डेट मैन डिजर्व भी छोड़ो मैं तो डिजर्व बाहर में जाए डिजर्व तो सभी करते हैं सब बॉडी बना के तो डिजर्व करते yes, oh. यही है वो बदमाश हैदराबाद में आकर डांट के गया मुझे मेरे को तो अभी तक नहीं पता चला क्या बोला है उसने <laughs> गाली दे रहा था पता नहीं क्या कह रहा था मैं कह रहा यस 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 अब समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं बट ये गुड रेन गुड रेन मना कर रहा है क्या मैंने बोला गुड रेन कह रहा है नहीं। वाली तो पिछले साल थी ओए एक मिनट वुमेन का भी तो कितना आया, एक का आया का आया है, राइट और ऐसा कुछ नहीं आया Aay, कोई कुछ नहीं बोलेगा एंड जॉनसिना रिटर्न रॉक रिटर्न बट हावे किस रेट अच्छा रॉक का तो मैं भूल ही गया अब रॉक भी आया था क्या uh, सुबह उस सु, कौन सा था उस uh, पैकडाउन में आया था ना रैंडमली नोबडी वॉज एक्सपेक्टिंग जॉनसिना वॉज देयर टू बट मेरे को नहीं होना चाहिए था खुश उतना जितना मैं हुआ था और शायद हुआ भी नहीं था मैं उतना बिकॉज़ मेरे को पता था कि ये बंदा बस क्योंकि ये शहर में होगा आसपास इसका पेट्रोल खड़ा खत्म हो गया होगा गाड़ी का इसने कहा कि भाई मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाऊँ तुम्हारी स्मैक डाउन हो रही है तो ट्रिपल एच ने बोला ओके okay, थोड़ा यहाँ पर रिट, रिटर्न कर लो उसने बोला हाँ ठीक है कर लूँगा मैं तो इसीलिए कर दिया होगा बाकी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता द रॉक से द रॉक को डब्ल्यू डब्ल्यू से लेकिन जब मेन रिटर्न प्लीज़ 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 दिखा दो दिखा दो है वो या नहीं ये कहां से घुसा दिया इन्होंने बीच में ये क्या छो ने रॉक के बाद लोगन पोल विनिंग द यूएस चैंपियनशिप एल एकेट एल ए नाइट ये okay. yeah. इस साल तो बिचार इस साल तो मैक्स टू प्री से बिचारा नाइट बना अनफोटली दैट क्राउन जुएल वाज नॉट गुड फॉर एलेनाइट और ये हमारे जॉन सीना रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हुए यार ये <laughs> ये मेरे को एक बात बताओ अगर अगले साल कोई ये बताएगा कि कोड़ी रोड चैंपियनशिप भी जीते हुए थे आई डोंट थिंक सर लोग एग्री करेंगे लोग कहेंगे सही में हुआ था। क्योंकि ये तो ऐसा लगा सपने की तरह था बट इसकी वजह से हमें क्या मिला हीट तो इसीलिए कहते कभी कभी जब छोटी छोटी चीजें भी होती है जो कि ऐसा लगता है यूजलेस है उससे कुछ तो बड़ा आ जाता है यहाँ से हीट आ गया जे उसको कह रहा भाई कुछ हुआ ना हुआ मेरी तो टी शर्टे बन गई भाई अच्छा <laughs> उसकी टी शर्ट ही नहीं मुझे तो लग रहा है जिसने हीट आपको पता होगा ना वो कॉन्ट्रोवर्सी किसी ने कॉपीराइट राइटर कर रखा था तो उसको भी डब्ल्यू डब्ल्यू ने पैसे खिलाए होंगे तो उसकी भी लाइफ बन गई एंड वी हैव वॉर गेम्स ऑब्वियसली ये भी रखना जरूरी था आई दिस इज

<laughs> यार बहुत अच्छा था साल मैं सही में कह रहा हूँ मेरे को मेरे को नहीं लगता कि डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे साल दोबारा से प्रोड्यूस कर पाएगी 2020 से जो 2023 तक देखने को मिले 2024 के लिए हाई ऑप्स है मैं कह रहा हूँ और वेरी वेलकम्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू होप्स रखनी नहीं चाहिए कभी भी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ एनी वेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है नहीं फॉर मी आई थिंक इट वॉज गुड वो जजमेंट डे के प्रेजेंटेशन से ही पता चल गया था कि बंदे ने मेहनत करी है कमेंट्स में लिख रहा और अगर आपको वीडियो वीडियो पसंद है तो मेरे वाले भी लाइक कर आई मीन इट डोन्ट मेक सेंस बट कर दे रहे यार <laughs>